वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सिमरनप्रीत कौर आप सबना दे सन्मुख अपनी स्वैरचित कविता सुनान जा रही हूँ, जिसका सिरलेख है मैं ते नानक। चलो तर्जमा करदे हाँ, खुद दा खुद नाल बाँ फड़दे हाँ ते लैके चलदे हाँ खुद नू खुदा तक। चलो तर्जमा करदे हाँ, खुद दा खुद नाल बाँ फड़दे हाँ ते लैके चलदे हाँ खुद नू खुदा तक। ओनू दसदे हाँ जाके इना दा उलांबा ओनू दिन्ने हाँ, शायद हुण ओही कोई हल करे जा कोई सलाह ही दे देवे। कोई राह तां पाऊगा ही, आखिर ओ खुदा है। ओनू दसदे हाँ जाके इना दा उलांबा ओनू दिंदे हाँ, शायद हुण ओही कोई हल करे जा कोई सलाह ही दे देवे। कोई राह तां पाऊगा ही, आखिर ओ खुदा है। पुछ लेना फिर उसनू भी कि तू कुछ देखदा नहीं जा फिर तू मन्ना है। जेकर नहीं ता खामोश क्यों है, क्यों वट्टे आ तू चुप। हुण कोई नानक बना धरती ते क्यों नहीं भेजदा तू। पुछ लेना फिर उसनू भी कि तू कुछ देखदा नहीं जा फिर तू मन्ना है। जेकर नहीं ता खामोश क्यों है, क्यों वट्टे आ तू चुप। हुण कोई नानक बना धरती ते क्यों नहीं भेजदा तू। ते आखरा च पहुंच ही गया मैं खुद नू लेके खुदा तक। ते आखरा च पहुंच ही गया मैं खुद नू लेके खुदा तक। बूहा टप्पिया ही सी के सामने नानक आन मिले। बूहा टप्पिया ही सी के सामने नानक आन मिले। पुछया दस बाई कीनू मिलना, तुसी कौन। मैं मुड़ आख्या, उस मेरे वाल तकिया ते कहा मैं नानक। सुनदे ही सार मैं चट बोलिया, सिखां दा नानक, जगत दा नानक। उस आख्या फिर तू उस वर्गा दिसदा क्यों नहीं, तू सिर्फ इत्थे ही क्यों है, किते होर क्यों नहीं। तेरी चुप हुण क्यों नहीं सुनदी प्रचार की शोरा च। तू मुड़े क्यों ना आया साडे तपदे सीने ठारन लई। सिर्फ गुंबदां दीआं गुलाईआं तक ही क्यों सीमित रह गई तेरे इक ओंकार दिया जान। मैं खुद नूं सवालां दे वलेवें च लपेट लिया ते ओह मेरी ना समझी दी कातर ते निम्मा जिहा मुस्कुराया। ते पत्तालों डूंघियां अखां नाल लिख गया इस हिरदे ते कोई दैवी रहस। हुण वापस आउंदिआं मैं जिथे भी तक्कां मैनू नानक ही दिसदे। ना कोई रोसा बचिया, ना बची कोई शिकायत, ना कोई सवाल बचिया, ना बची कोई ख्वाहिश। मैं जिथे भी तक्कां मैनू नानक ही दिसदे। वीरान टिब्बियां च बैठा महरम दी याद दा रस घोलदा, उसदे साहां दी लै नाल इक ओंकार दिया जान। पतालां ते खंडां तो पार दी गूंजदी ए, विचकारों लकीरां मिट गईयां, पर्दा हटिया बड़ी नजाकत नाल। धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।